तो हेलो गाइस, एंड कर सकते हैं मुंबईकर्स। अभी मैं आया हूँ साइन प्रतीक्षा नगर। ये वीडियो होने वाला है दर्शन वीडियो, और अभी ऑलमोस्ट गणेश चतुर्थी खत्म होने आया, कल है विसर्जन। तो ये लास्ट दर्शन वीडियो होगा 2023 का, और ये किसी मंडल के गणपति का दर्शन नहीं रहेगा। तो ये गणपति फ्रैंकलिन पॉल उनके घर का गणपति है, तो उनका डेकोरेशन और उनके गणपति का दर्शन कराऊंगा आपको इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना, काफ़ी अच्छा वीडियो है क्योंकि उनके घर का डेकोरेशन काफ़ी मस्त होता है और मूर्ति भी काफ़ी मस्त होती है। तो अभी बिना कुछ देरी किए डायरेक्टली निकलते हैं फ्रैंकलिन भाई के यहाँ उनके घर के लिए। तो चलो चलते हैं। घर पे गणपति बैठा है पॉल सा लड़का, तो काफी मस्त डेकोरेशन किया है, और पूरा केदारनाथ का पूरा घाटी जो वहाँ का है वो पूरा दिखा है यहाँ पर। और मतलब इससे मैसेज क्या दिया आपने, वो बता दो ना जरा। ये एक्चुअली दिस इज रिगार्डिंग एनिमल अब्यूज़ एंड एनिमल क्रुएल्टी के रिगार्डिंग है। जो भी एनिमल अपने पेट्स हो गए हैं, जो भी एनिमल्स हो गए, जो मुख्य प्राणी करके अपन बोलते हैं, उनके लिए अपन ने ये मैसेज सोशलाइज किया है। अच्छा, मतलब वहाँ पर जो खच्चर रहते हैं उनको यूज कर। अच्छा, तो मतलब बराबर अच्छा मैसेज दिया यहाँ पर, और काफ़ी मस्त बनाया है। और आप देख सकते हो वहाँ पर गणपति बप्पा वो घाट के ऊपर बैठे, मतलब पत्थर के ऊपर। तो ये मूर्तिकार का नाम उदय गोटवले। ओके, और वो मूर्ति यही बनाए घर पे? नहीं, कारखाने से। तो वहाँ पर मतलब आपने थीम दे दिया था कि हमारा थीम ऐसा रहेगा करके। अच्छा, तो काफ़ी मस्त ही है। और आप देख सकते हो यहाँ पर गणपति बप्पा के बाजू में भी वो एक बना है, यहाँ पर हॉर्स है, उनको हॉर्स बोलते हैं, खच्चर हिंदी में खच्चर बोलते हैं। काफ़ी मस्त बना है। और मतलब आप ये कैसे बनाते हो, कितने महीने पहले?
चालू करते हो अपना डेकोरेशन? प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम 2 महीने पहले से सब प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, फिजिकली भी स्टार्ट वर्किंग 1.5 महीने से। अच्छा, जनरेट करके हम लोग ये सब काम चालू। 2 महीने में हो जाता है इतना डिटेल्स में? पॉसिबिलिटी करते हैं जिससे भी। मतलब टीम है आप अकेले हो? नहीं, मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोग भी ये चीज़ को हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा, तो इनके फ्रेंड्स भी इनमें हेल्प करते हैं डेकोरेशन करने में, पर जो भी हेल्प करते हैं काफ़ी अच्छा करते हैं और काफ़ी मस्त डिटेल वर्क इनका काफ़ी है। तो उसके बारे में ज़रा बताओ, मतलब आप कुछ मतलब आर्ट्स के रिलेटेड कुछ कोर्स किया ये? नहीं, बेसिकली दिस इज फैशन और मेरा हॉबी है ना। ओके, तो मेरी टीम और हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपना जितना बेस्ट दे सके। हर साल हम लोग कुछ एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। ओके, यही हमारा फील एंड टच रहता है कि सबको फिर रियलिस्टिक लगे, जितना मूर्ति रियलिस्टिक है। तो यही हमारा कोशिश होता है कि जितना हम मिनिएचर डायोरमा जितना हो सके हम रियलिस्टिक करें, उतना हम लोग कोशिश करें। अच्छा, तो काफ़ी अच्छे मिनिएचर्स बनते हैं आपके? और मतलब मैंने पहले जब सोचा आपका ये, पहले फ़ोटोज़ देखता था और आपके वीडियोस भी देखे पहले, तो मैं सोचता था कि आप मतलब आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में हो गए तो इतना पैशन है, पर नहीं, आप आर्ट से रिलेटेड नहीं हो फील्ड में? ओ, तो काफ़ी मस्त है। जो आर्ट से नहीं है बंदा वो भी इतना अच्छा आर्ट अपना दिखा सकता है और इतने मिनिएचर्स काफ़ी अच्छे अच्छे कर सकते, तो काफ़ी मस्त था। और पॉल सा लड़का कितने साल से बैठते हैं? ये हम लोग ऑलमोस्ट हो गए 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स? 28 ईयर्स। 28 ईयर्स? ओ ओके। और ये डेकोरेशन का काम कब से जाके? ये मोस्टली ज़्यादा मेरे, इसके पहले मेरे पिताजी करते थे, उसके बाद से मैंने 5 ईयर्स से मैं कुछ शुरुआत किया है सब। 5 ईयर्स से फिर आपने संभाल लिया? अच्छा अच्छा, तो काफ़ी मस्त है। 28 ईयर्स है इनका और काफ़ी मस्त है। तो यही था पॉल सा लड़का। और डेकोरेशन देखो आप, पूरा केदारनाथ का जो वैली है वो पूरा क्रिएट किया है यहाँ पर मिनिएचर पूरा। और इसके डिटेल्स आप देख लो, काफ़ी मस्त मस्त डिटेल्स बना है यहाँ पर। वहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर तो बहुत दूर है, तो मतलब कैसे क्या रहेगा इतने दूर तक मुझे आइडिया नहीं है कुछ, पर जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। तो गाइज, ये डेकोरेशन इस साल केदारनाथ वैली था, राइट? और हर साल यहाँ पर कुछ नया नया थीम रहता ही है। लास्ट ईयर टाटा हॉस्पिटल का था ना? हाँ, तो लास्ट ईयर टाटा हॉस्पिटल का था और इस बार केदारनाथ वैली। मतलब हर साल कुछ अच्छा मैसेज भी पहुँचे और आपको डेकोरेशन देखने में भी मज़ा आए, वैसा कुछ बनाते हैं यहाँ पर हर साल, तो काफ़ी मस्त होता है। और ये डेकोरेशन का मेन मोटिव था, मतलब डेकोरेशन तो केदारनाथ वैली बनाया, बट मेन मोटिव ये था कि जो जानवर होते हैं, जो बेजुबान होते हैं, बोल नहीं पाते, तो उनके ऊपर जो मतलब जुल्म होता है या जो भी उनको होता है, उनको तकलीफ़ होती है, उसके बारे में था। तो यही था पूरा डेकोरेशन उसके बारे में। और उसमें केदारनाथ करके जो धाम है वहाँ पर वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वहाँ पर खच्चर जो है, हॉर्स यूज़ किए जाते हैं और पूरा केदारनाथ वैली चढ़ने के लिए। मतलब आपने देखा ही होगा कि केदारनाथ वैली में मतलब यूज़ किए जाते हैं हॉर्सेस, मतलब सामान लोड करने के लिए, नीचे से ऊपर तक सामान लोड करने के लिए और जो भी रहता है ट्रैवलर्स को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। और बहुत चलना होता है तो वो भी बेचारे थक जाते हैं और इतना लोड नहीं ले पाते, तो कभी कभी मतलब दुर्घटना हो जाती है और वो अच्छा नहीं रहता है। तो वही मैसेज था और वो इसी मतलब ये जानवर, इन जानवरों के बारे में नहीं था, और बहुत सारे जानवर जो होते हैं, सारे जानवर जो बेजुबान होते हैं, वो सारा मैसेज उनके ऊपर था ये मैसेज। तो गाइज, यही था पॉल सा लड़का और ये पूरा वीडियो, बट ये सिर्फ डेकोरेशन पर नहीं था, जो यहाँ पर मैसेज मतलब इन्होंने बनाया, जो मैसेज इनके द्वारा पब्लिक तक पहुँचाना है, तो वो मैसेज पर भी थोड़ा फोकस करो और ध्यान दो, सिर्फ डेकोरेशन नहीं, इनके मैसेज भी काफ़ी अच्छा था। तो वही था, और मैसेज पर ध्यान दो और बाकी गणपति आपा तो मस्त ही थे और डेकोरेशन भी काफ़ी मस्त था। तो यही था इस वीडियो में। तो गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से और थैंक यू बोलेंगे फ्रैंकलिन भाई को। फ्रैंकलिन थैंक यू सो मच, उन्होंने टाइम निकाल के दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और शूट करने भी अच्छे से दिया, काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे पॉल सा लड़का, तो काफ़ी मस्त डेकोरेशन देख के मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच अगेन। तो अभी चलो चलते। तो गाइस, कैसा लगा पॉल सा लड़का और कैसा था वहाँ का डेकोरेशन, ज़रा कमेंट करके बताना। मेरे को तो काफ़ी, मुझे तो काफ़ी मस्त लगा। और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, हो गया सारा शूट वगैरह।
अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और अभी तो बारिश चल रही है, बहुत सारी बारिश चल रही है। होप कल बारिश ना आए, क्योंकि कल विसर्जन है, तो होप कल बारिश ना आए, क्योंकि पूरा विसर्जन में फिर तकलीफ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोग कैसे शूट करेंगे। तो होप करते हैं कल बारिश ना आए। अभी चलते घर पे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और गणपति बाप्पा मोरया।